बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्यार, मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, ये इतनी मज़े की है, आप जब बनाएंगे तो मैं कहती हूँ पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही मज़े का है और इतना आसान बनाना। आज मैं आपको देने लगी हूँ स्पाइसी चीज़ी गार्लिक टोस्ट, ठीक है। और इसके लिए मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, 2 दिन मैंने ब्रेड ली है और 2 टेबलस्पून मैंने भर के मक्खन लिया, उसको नरम किया मक्खन को। तो उसके बाद 1 टीस्पून मैंने भर के, ये बहुत कड़वी है, सब्ज मिर्चा उसका पेस्ट लिया है। और 2 अदद कलियां मैंने, 2 जो कलियां होती है लहसुन की, उसको कद्दूकस किया है। और अगर आपको ज्यादा अच्छा आता है ज्यादा डाल लें। और उसके बाद ये हरा धनिया थोड़ा सा, और चीज है जितनी जरूरत होगी, थोड़ा सा नमक क्योंकि चीज में भी नमक होता है, और ये कलवंजी है। और मैं अब आपको बताती हूँ कि ये झटपट तैयार होने रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। लीजिए, अब मैं इसमें ये लहसुन पेस्ट डालती हूँ, सॉरी ये सब्ज का पेस्ट था और ये गार्लिक पेस्ट, ठीक है। पेस्ट ही अगर आप पेस्ट बना लें, कद्दूकस कर लें, मैं तो हमेशा हर चीज़ के लिए कद्दूकस ही करती हूँ। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि उसमें नमक होता है बहुत चीज़ में, तो उसी हिसाब से डालना थोड़ा सा। ये देखिए मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर अप्लाई करती हूँ इसको। जी मैंने लगा दिया है, और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा लगा लें। ये अब मैं ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। जी अब मैं इसके ऊपर सारा ये डाल देती हूँ चीज़, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए मैंने चीज़ तो ऊपर डाल दी, और अब मैं कलवंजी थोड़ी सी ऐसे बीच में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातौर पर अच्छी होती है, अजवाइन भी अच्छी होती है, पिज्ज़े में तो लाजमी डालती हूँ। चले ये हो गई, अब मैं आपको बताती हूँ और आगे क्या करना। ये पैन गर्म है, और मैं अब इसके ऊपर ये बटर के साथ इसको ग्रीस कर रही हूँ। बाजू को तो ओवन नहीं है, तो कैसे ये चीज़ वाली चीज़, वो जो चीज़ के साथ टोस्ट खाना चाहती हैं कुछ, उनको अच्छा होता है, लेकिन वो तवे पे ये ऐसे वो उनको मसला आता है कैसे बनाएं। तो ये बहुत आसान, देखिए बटर लगा दिया मैंने, और अब मैं ये चीज़, ये जो मैंने पीस को करके रखा है, और अब मैं इसको ऐसे सीधा फ्राई पैन में रख देती हूँ, और फिर मैं ऊपर से ये ढक देती हूँ। ये देखिए इसके साथ जैसे ये मेल्ट होता है और तैयार होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। लीजिए ये देखें, ये तैयार हो चुका है, और मैं अब आपको इसी तरह दूसरा भी तैयार करके तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये तैयार हो चुका है। लीजिए स्पाइसी चीज़ी गार्लिक टोस्ट, यकीन करें ये इतने टेस्टी हैं, और देखिए झटपट तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के। अगर आपको लहसुन और वो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है ज़्यादा लगाना है ज़्यादा लगा लें, और जो चीज़ डालना चाहते हैं इस तरह तैयार कर लें। और देखें बहुत ही, मतलब इसका देखें नीचे से भी कितना खूबसूरत ये हो गया, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखें बहुत लाइट ऐसे हो गया, क्रिस्पी और बहुत मज़े का। आप एक दफ़ा बच्चों को बना खिलाएंगे तो उन्होंने तो ये कहना है कि हमें तो रोज़ ही बना के दे, अगर बच्चे गार्लिक और सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, वरना बड़ों के लिए तो बहुत ही चीज़ है। अगर घर में अचानक मेहमान आ जाए तो आप टी टाइम अगर है तो आप दे सकते हैं चाय के साथ भी, बहुत टेस्टी और एक मुनफरद चीज़। आप एक दफ़ा ज़रूर बना के देखें, पिज़्ज़ा तो बनता ही रहता है ना, लेकिन इस तरह अदरक और लहसुन का और उसका पेस्ट, सब्ज़ी का पेस्ट, उसे बना के देखें, बहुत टेस्टी है। चलिए ठीक है, बनाएं और खाएं, और भी मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा है। और आजकल वैसे ही बच्चों को छुट्टियां, ज़्यादा लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा बहुत तो छुट्टियां तो हैं, तो बच्चे घर में है या कोई है तो फिर आप ये बना के कसम को दे सकते हैं। चलें ठीक है, जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।